नमस्कार, आप देख रहे हैं डीबी लाइव। नजर डालते हैं अंतर्राष्ट्रीय जगत की बड़ी खबरों पर। 8 साल तक अमेरिका के राष्ट्रपति रहे बराक ओबामा ने शिकागो में दिया विदाई भाषण। कहा, रूस और चीन कभी नहीं कर सकते अमेरिका का मुकाबला, तो वहीं देश की लोकतंत्र के लिए एकजुटता को बताया जरूरी। 4 दिवसीय स्विट्जरलैंड यात्रा पर जाएंगे चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग। पहली बार विश्व आर्थिक मंच की बैठक में लेंगे हिस्सा। करीब 4 दशक पहले चीन ने इस बैठक में लिया था हिस्सा। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में दोहरे धमाके समेत कंधार गेस्ट हाउस को भी आतंकियों ने बनाया निशाना। 54 लोगों की मौत। यूएई के राजदूत जुमा मोहम्मद अब्दुल्ला अलकाबी समेत कई जख्मी। तालिबान ने ली हमले की जिम्मेदारी। ब्रिटेन में ऑपरेशन ब्लू स्टार की नए सिरे से जांच की उठी मांग। विपक्षी लेबर पार्टी के नेता जेरोमी कार्बिन ने प्रधानमंत्री थेरेसा मे को लिखा पत्र। ऑपरेशन ब्लू स्टार में भारत के स्वर्ण मंदिर से आतंकवादियों को निकालने की योजना में ब्रिटेन के कमांडर थे शामिल। और पाकिस्तान के दिग्गज गेंदबाज वसीम अकरम की बड़ी मुश्किलें। कराची की एक स्थानीय अदालत ने वसीम अकरम के खिलाफ जारी किया गिरफ्तारी वारंट। मामले की सुनवाई में नहीं हो रहे थे पेश। तो ये थी अंतर्राष्ट्रीय जगत की बड़ी खबरें। देखते रहिए डीबी लाइव, क्योंकि यहाँ है खबरें लगातार।